हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर हर टिप्स। सो आज का टॉपिक है कि हम विंटर में कैसे अपने लिप को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रख सके। विंटर में हमारा जो लिप है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है, तो इसके लिए कौन सी होम रेमेडी बेस्ट है। तो आज की जो होम रेमेडी है वो सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली है। ये होम रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप वीक में इसे 2 से 3 बार ट्राई करते हैं अपने लिप पे, तो आपका लिप बहुत ही जल्दी पिंक, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बोल, देन आपको उसमें ऐड कर देना है शुगर पाउडर। आप शुगर पाउडर घर पे भी बना सकते हो। आप नॉर्मल शुगर ले लो और उसको मिक्सी में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर दो। आपका शुगर पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। देन आप इसमें ऐड कर दो 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। देन ऐड 1 टेबल स्पून हनी। हनी जो है हमारे लिप को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाएगा, और जो शुगर पाउडर है वो डलनेस स्किन को हटाने में हेल्प करेगा, एंड कॉफ़ी पिगमेंटेशन को दूर करेगा और हमारे लिप को पिंक बनाने में हेल्प करेगा। सो हमारा जो स्क्रब है लिप का वो बनके तैयार हो गया है। अगर ये एक्स्ट्रा बन जाता है तो आप इसे स्टोर करके भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। सो आपको एक फिंगर की हेल्प से या 2 फिंगर की हेल्प से अपने लिप पे इसे लेके अच्छे तरीके से मसाज करना है 2 मिनट तक। देन आपको इसे क्या करना है, नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। ये रेमेडी आपको वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही ट्राई करना है, पर डे अप्लाई नहीं करना है। इसे लगाने के बाद आपको लिप बाम लगा लेना है, और आप टाइम टाइम पे दिन में 3 से 4 बार अपने लिप को मॉइस्चराइज करते रहिए, क्योंकि विंटर में लिप बहुत ही जल्दी ड्राई होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।